शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन, कद्दूकस किया हुआ आलू उबाल के, चीज, ब्रेड क्रम, मैदा, आधी प्याज कटी हुई, कॉर्नफ्लोर, मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया की पत्ती, जीरा, कुटी हुई काली मिर्च और लपेटने के लिए ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम हम मिक्स करेंगे। तो ये हमने एक खाली बाउल ले लिया है। पहले सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आलू अपना, नमक। अब हम इसमें अपनी सारी सब्जियां ऐड करेंगे। हमारे पास यही सब्जियां थी तो हमने इसी को यूज़ किया। अगर आपके पास और कोई दूसरी सब्जियां तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, गरम मसाला, जीरा डालेंगे आप, काली मिर्च, धनिया की पत्ती डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे अब इसमें। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे थोड़ा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आपको दिखाते हैं कि मिक्स कैसे हुआ अच्छे से। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि मटर भी ऐड करना है, तो मैंने बाद में इसमें मटर ऐड कर लिया है। यहाँ पर ऐड कर लिया था मैंने उबाल के अच्छे से। तो अब हम इसमें इसका घोल बना लेंगे। ये मैदा है इसका, इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के इसका घोल बना लेंगे। इसका मैं ये देखिए हमने अच्छे से घोल तैयार कर लिया है इसमें पानी मिला के। ये हमने हाथ को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया ताकि हमारी जो बैटर है वो हाथ पे चिपके ना। तो पहले हम थोड़ा सा बैटर लेके अपने इसे हाथ पे एकदम अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। अब हम इसमें चीज़ की तरफ रखेंगे अपने एक, और इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इसमें। अब इस तरह हम अपना सारा बना लेंगे। ये हमने एक ऐसे बना लिया अच्छे से। अब हम इस तरह अपना सारा बना के आपको बताते हैं। ये हमारी सारी चीज़ वाली, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप बिना चीज़ की बना सकते हैं। मैं बिना चीज़ की भी बना रही हूँ थोड़ी। तो ये हमारी बिना चीज़ बनी है। ये हमारी एक बिना चीज़ की हो गई। अब मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ बिना चीज़ की। ये हमारी सारी तैयार हो गई है। अब हम ये इससे पहले लेके हम इसमें हमने मैदे का जो पेस्ट बनाया था उसमें हम डिप कर लेंगे पहले। अब इसको हम क्रम्स में ब्रेक क्रम में डिप कर लेंगे अच्छे से। अब हम साइड में ऐसी सारी रखते जाएंगे अपनी। ये हमने इसकी कोटिंग कर ली है। अब चलिए मैं आपको तरीके से ट्राई कैसे करना है। यहाँ पे अबू अभी समोसे छान रहे हैं तो मैं आपको बाद में बताती हूँ ट्राई करके। ये हमारे तेल पहले से गर्म था लेकिन ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये गया हमारा केला और दूसरा डाल लिया। आप देख सकते हैं हमारे वेज बिंदु का फ्राई हो रहा है। इसके लिए कितना प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन गोल्डन।
ये देखिए हमें एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसी तरह अपनी बाकी की सारी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी वेज फिंगर फ्राइज हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी डिशिंग करके बता देती हूँ। ये देखिए हमारी डिशिंग हो गई है और ये बहुत यम्मी लग रहा है। देखिए इसके अंदर से चीज़ भी है, ये मेल्ट हो गई है, यम्मी यम्मी। और मैं आपको एक और बार बोल दूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।